हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मैग्नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैसे आप अपने ब्लॉग पे व्हाट्सअप लाइव चैट ऐड कर सकते हैं। तो अभी चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो भी आप देख रहे हो ब्लॉग, ठीक है, ये मेरा ब्लॉग है और इसमें अभी व्हाट्सअप लाइव चैट इंस्टॉल नहीं है। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये आपको ये यूआरएल नीचे मेंशन दिया हुआ है जहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या डायरेक्ट मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले eliffsite.com पे आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद जब आप वेबसाइट खुलेगा तो आपको विथ्स करके ऑप्शन आएगा, इसमें आपको जाना है। इसमें चैट्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको सारा ऑप्शन है। जैसे कि हमें अभी व्हाट्सअप चैट इंस्टॉल करना है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा क्रिएट विथ, तो क्रिएट विथ पे क्लिक करना है। अब हम आ गए उसके नेक्स्ट सेक्शन पे। इसमें हमारे पास आप किस थीम को इंक्लूड करना चाहते हो अपने वेबसाइट में, आप यहाँ से सपोर्ट कर सकते हो। तो मैं आपको एज ए डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, आप कोई भी थीम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ दिखाया, अब कंटिन्यू विद दिस थीम, मैंने थीम सेलेक्ट कर रखा है, इसको मैंने किया। अब हम यहाँ आ गए, तो यहाँ पे आपको आपका जो सारा डिटेल है वो फुलफ़िल करना है। जैसे कॉन्टेक्ट नंबर है, आपका व्हाट्सएप नंबर कौन सा है, तो आपको यहाँ पे वो फुलफ़िल करना है। इसमें आप सारे सेटिंग्स कर सकते हैं, आपको जो इसमें सेटिंग चेंज करना है वो कर सकते हो। उसके बाद आपको वेलकम मैसेज में क्या करना है, हाई कहना है, वो आप ऐड कर सकते हो। बटन शो कराना है कि नहीं, वो आप यहाँ सारा अपना कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसमें आप जाके इमेजेस भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको इमेजेस चेंज करने हैं तो आप चेंज कर सकते हो। अब इसको हमें अप्लाई करना है, हमने सारा चेंजेस कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इमेज नेम सारा कुछ अपने अकॉर्डिंग, चाहे डिस्प्ले सेटिंग, पेज डिवाइसेस, डेट टाइम, सारा कुछ अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। कस्टमाइज सीएसएस, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे कर सकते हो। चैट हेडर में जाके आप यहाँ पे इमेजेस भी चेंज कर सकते हो, आपको रिप्लेस करना है, अपलोड फॉर कंप्यूटर कर दो आप। आगे आपको नेम चेंज करना है तो नेम भी आप चेंज कर सकते हो। ऐसा करके अब इसको मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं कर लूँगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आपको यहाँ पे साइन अप करना है। तो आप अपने जीमेल के थ्रू यहाँ पे साइन अप कर सकते हो या फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अपने जीमेल के थ्रू यहाँ पे किया है। इसके बाद आपको पैकेजेस सेलेक्ट करने पड़ेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग सारा कुछ कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आ गया, अब हमारे पास ये सारा कुछ हो गया। हमें सेव कर देना है, सेव करने के बाद सेलेक्ट करना है, ये फ्री है। अब ये मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपको कोड है, कोड कॉपी करना है। कॉपी करके आपको अपने ब्लॉग में आ जाना है, ब्लॉग में आपको थीम में जाना है, कस्टमाइज में जाने के बाद एडिट एज ईमेल एचटीएमएल करना है। एडिटिंग करने के बाद इसके जो बॉडी टैग जो लास्ट होगा तो आपको फाइंड आउट करना है। बॉडी टैग यहाँ पे बॉडी टैग के एंड होने से पहले उस कोड को आपको पुट करना है और फिर इसको सेव कर देना है। सेव
सेव हो गया, फिर उसको हम आके यहाँ पे कर देंगे कि हाँ आई हैव इंस्टॉल द कोड, जो हो गया। अब आप अपने वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि आपका हुआ है कि नहीं। तो ये हमारा वेबसाइट है, तो इसमें हम आप चेक करेंगे कि हमारा हुआ है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हो हमारे ये लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कि ये जो व्हाट्सअप लाइव चैट का ऑप्शन है ये हमारे पास आ गया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।